2015 हार्श क्लाइमेट था, और बस यही है कि डर के आगे जीत है। अगर आप डर के रह जाओगे तो दुनिया आपको दबाएगी, डराएगी, पर आप में इतनी हिम्मत है, जस्ट अपने आप पे विश्वास करने की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग में इतना सब कुछ था जो हम पहले कभी नहीं सोच सकते थे कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, 30 किलोमीटर भागना, 40 किलोमीटर भागना, पर अगर खुद के ऊपर विश्वास हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। सपने देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और अगर सपने देखने की क्षमता आप रखते हो तो उनको पूरा करने का जज्बा भगवान अपने आप ही आपको दे देते हैं। मेरी स्कूलिंग मॉडल स्कूल रोहतक से हुई है। स्टार्टिंग से ही मैंने हर फील्ड में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, चाहे वो एकेडमिक्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या स्पोर्ट्स हो। स्कूल टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी JMIT रादौर यमुनानगर से। वहाँ पे भी मैंने अपनी इन्वॉल्वमेंट हर फील्ड में रखी। टीचर्स ने वहीं पे भी मेरा बहुत साथ दिया और वहाँ पे मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया। उसके बाद फोर्थ ईयर में मेरी प्लेसमेंट हो गई एक जापानीज़ कंपनी में जो नीमराना राजस्थान में है, मिकुनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और वहाँ पे एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हुई प्लेसमेंट। फोर्थ ईयर में ही मैं एक प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए गई चंडीगढ़। वहाँ पे वो एयरफोर्स की फास्ट ट्रैक एंट्री का प्लेसमेंट था, और वहाँ पे मेरी मीटिंग विंग कमांडर पूजा से हुई, जिन्होंने बैरक ओबामा, प्रेसिडेंट बैरक ओबामा को एस्कॉर्ट किया था। तो उनकी स्पीच से मैं इतनी मोटिवेट हुई कि मैंने सोच लिया था अगर इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग को मैं देश की सेवा में ही लगा दूंगी। तो वहाँ से मेरा जुनून पैदा हो गया कि डिफेंस सर्विसेज को मैंने ज्वाइन करना है। तो उस साल मेरा एडमिशन नहीं हो पाया डिफेंस में, तो मैंने अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया था, और मेरे काम को देखते हुए कुछ ही महीनों बाद ही मेरी कंपनी ने मुझे जापान भेज दिया। जापान हेडक्वार्टर है मेरी कंपनी का, वहाँ पे मैंने वर्क कम ट्रेनिंग करी। मैं साथ साथ नया काम भी सीख रही थी और वहाँ पे जॉब भी कर रही थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे सब कुछ अकेले हैंडल किया, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो सब मैनेज करना, सीखना और साथ साथ अपने इस जुनून को भी पैदा रखना और तैयारी करते रहना, वहाँ पे मैंने बहुत तैयारी करी। वहाँ से मैं आई यहाँ पे SSB देने, और पहले अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया, बट मैं मेरिट आउट हो गई क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 2 थी और मेरा 3rd नंबर था। सबने कहा कि ये मेरी किस्मत में नहीं है क्योंकि इतने पास से आके चूक जाना, तो लेकिन मैंने नहीं, हार नहीं मानी। मैंने सोचा नहीं, जाना है तो मुझे डिफेंस में ही जाना है। तो मैं फिर से जापान चली गई, वहाँ पे मैंने फिर से काम करना शुरू किया और सोचा कि जो जो कमियाँ रह गई होंगी उनको पूरा करूँगी। फिर मैं दोबारा से इंडिया आई और मैंने अपनी SSB दी, और इस बार मेरा एडमिशन हो गया और मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में हो गई। वहाँ पे कदम रखते ही मेरा पहला सपना यही था कि अब अपने आप को प्रूव करना है और जितना बेस्ट हो सके उतना रहना है। तो मैंने अपना हर टेस्ट, अपने फिजिकल टेस्ट, एकेडमिक्स का, वो सब के सब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए, और मुझे वहाँ पे सीनियर टर्म के लिए एकेडमिक कैडेट एडजुटेंट की अपॉर्चुनिटी मिली मुझे बनने के लिए। फिर मैंने वहाँ पे अपना 100% दिया, और एज अ बटालियन अंडर ऑफिसर मैं वहाँ से अब पास आउट हुई हूँ और मुझे 2nd ओवरऑल मेरिट में मिला है। वहाँ पे 250 के अराउंड कैडेट्स थे, जेंटलमैन कैडेट्स और लेडी कैडेट्स, और ये जो मेडल है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते कि जेंटलमैन कैडेट्स को अलग से इवेल्युएट किया जाए, ओवरऑल मेरिट निकलती है, और उसमें मुझे 2nd सिल्वर मेडल मिला है। इसके लिए सिर्फ मैं अपने फैमिली, पेरेंट्स और टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है कि हर चीज़ मैंने थोड़ी चैलेंजिंग ही चूज़ की है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ करना हो, चाहे ये इतनी अच्छी जॉब छोड़ के मुझे आर्मी में आना हो। तो पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण उन्होंने मुझे मेरे सपनों पे ट्रस्ट रखा, और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि डेयर टू ड्रीम, एंड इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। सपना देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और अगर सपना देखने का जज्बा रखते हो तो उसको पूरा करने का जज्बा अपने आप भगवान आपको दे ही देता है। हाँ, मुझे डांस का बहुत शौक़ है। मेरी मम्मा ने मुझे KG क्लास से डांस करना सिखाया था। फिर KG क्लास में मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए मैंने एक समर कैंप ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैंने क्लासिकल डांस सीखा था।
बट उसके बाद डांस से मेरा इतना लगाव हो गया कि मैं नेट से यूट्यूब से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स सीखते लग गई और अब मुझे तकरीबन 10 तरह के डांस फॉर्म्स आते हैं जिसमें वेस्टर्न बैले फोक डांसेस क्लासिकल कथक सब आते हैं। नहीं अगर आपका पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट हो और जो आपके गुरु हैं टीचर्स उनका सपोर्ट हो तो कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। मैं बेरी से हूँ, बेरी झज्जर से, वहाँ पे भी लड़कियों को बहुत प्रोत्साहन मिला और बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे रही हो और अगर टीचर्स फैमिली आपके सपने को ट्रस्ट करते हो तो आप पूरा कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आता। मैं तो तूने कैप में डक दिया।